देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा की एक जगह पर जिसका नाम है विशनपुरा। यहां पर एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिसकी वजह से आज सड़क पर आना पड़ा और आज का कार्यक्रम हम स्टूडियो से ना करके दरअसल सड़क से कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक महिला की मौत हो जाती है एक कंपनी के अंदर, और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के बाद उसको बताया जा रहा है कि शव को यहाँ पर फेंकने की कोशिश होती है, जिसके बाद पूरे परिजन बाकी तमाम लोग, घर के भी लोग, सब लोग इस बात को लेकर दरोगा साहब के पास जाते हैं, थाना चौकी कोतवाली करते हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता। इसके बाद इस कंपनी के नीचे जब हम आते हैं तो नज़ारा दरअसल दहलाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शव, जो जिस महिला की मौत हुई थी उसका शव यहाँ पर रखा हुआ था, और इसके बावजूद कोई भी, आप ये समझिए, कोई भी व्यक्ति जो इस कंपनी से, जो कंपनी में ऑथराइज हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके बाद यहाँ काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो एकत्रित हो गई। इनकी मांग है कि इनकी जो अभी तक तहरीर है, जो रिपोर्ट है, मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है। इसके बाद इनका पुलिस प्रशासन की तरफ भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो कंपनी है जिसके बाहर इस वक्त हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहीं पर वो, आप मेरे पीछे, मैं दिखाना चाहूँगा कि शव जो है वो सामने रखा हुआ है, सामने शव रखा हुआ है। और ये कम से कम आपको बता दूं कि काफ़ी घंटों से, पिछले 5-6 घंटों से ये शव यहीं रखा हुआ है, जिसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कंपनी ऑथराइज जो व्यक्ति हो वो नीचे नहीं आया, ना ही बातचीत हुई है। इसके बाद जब यहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस प्रशासन पहुँचता है, तब लोगों के आरोप है कि पुलिस ने अभी तक, जब इस घटना को लगभग पूरा 24 घंटे होने को आ रहे हैं, अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और इनको लेकर जो रवैया है वो काफ़ी नकारात्मक रहा है, ऐसा भी आरोप जो है लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो उनके परिजन मौजूद हैं, जो उनके घरवाले मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये शव है जो कंपनी के नीचे रखा हुआ है, ये कंपनी है और इसके नीचे शव रखा हुआ है। तो नोएडा सेक्टर 58 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, C1011 इस बिल्डिंग का नाम है। और इस वक्त ये शव जो आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 घंटे हो चुके हैं ये शव इसी तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी बिल्डिंग की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बिल्डिंग की तरफ से या फिर किसी ने भी अभी तक जवाबदेही तय नहीं की है, कोई भी नीचे नहीं आया, ना ही किसी भी तरह की बातचीत हुई है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल की घटना हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है। जी, तो यही आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है बार बार, कि पुलिस प्रशासन की तरफ भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एक सभासद भी मौजूद है जो स्थानीय है। ये बताइए सर, क्या है पूरा मामला, क्या गड़बड़ है? जैसा कि अभी मुझे इसकी जानकारी आई है कि कल ये महिला यहाँ पे जो है कार्यरत है धागा कटिंग के रूप में, और ये इनके साथ कल क्या हुआ कुछ पता नहीं। इसके बाद ये सेक्टर 34 ले गए और सफदरजंग में इनको छोड़ के चले आए। वहाँ छोड़ के आने के बाद ये यहाँ पर आए और अभी तक इसको लेके आए तो ये लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ ये कार्यरत नहीं है, और इसके बाद, लेकिन अभी प्रशासन आई, अभी तो तुरंत आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो तहरीर हम इसकी ले रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने कंपनी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ ये कार्यरत है। कंपनी की तरफ से अभी कौन है? मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी इस वक्त कंपनी की तरफ से यहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, कल से नहीं है, 9 बजे नहीं, लाइव जा रहा, रुकिए आप। हाँ ठीक है, कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया, अगर डर रही है तो फिर कहाँ भागे हुए हैं वो, उनका कुछ पता नहीं, वो कल से ही 9 बजे से ही गायब है। ठीक है, तो कल से 9 बजे से ही लगातार जो बताया जा रहा है कि गायब है, इसके बावजूद क्या कुछ बातचीत चल रही है, चर्चा? आपको बता दें यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, ACP साहब आए हुए हैं, शायद क्या कुछ बातचीत होगी उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 58 से। सर, आपके अभी तक बिल्डिंग के किसी भी ओनर से या ऑथराइज पर्सन से बातचीत हुई है? एडमिन मिले थे, क्या बातचीत हुई है सर? वो कहें कि बुलवाते हैं, बुलवाने की बात हुई। आपने अभी तक बातचीत की है उनसे अभी तक? नहीं सर, लाइव जा रहा है। आपके अभी तक बात हुई है सर? हाँ, बात हुई, बातचीत हुई है आपकी। ठीक है, तो ACP साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और बने रहिएगा। एक चीज़ और दिखाने की आपको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कब से यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी संख्या में एकत्रित हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में इकट्ठा हैं, और बताया जा रहा है कि शाम से ही ये लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं बताई गई है कि कुछ भी किया गया हो, या फिर अभी तहरीर जो है वो लिखी जा रही थी, तहरीर जो है वो लिखी गई है, शायद लिख गई है तहरीर। कौन है यहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं? हाँ, कहाँ पर है? ठीक है, तो तहरीर जो है वो अभी तक लिखी जा रही है, और इसको लेकर क्या पूरा मामला है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन
मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ ये है कि अभी तक इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो नीचे उतर कर आया हो, जिसने यहाँ पर जो पीड़ित है उनसे बातचीत करने की कोशिश की हो, जो मृतका है उनके परिवारजन है जो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये वो शव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, शव जो है यहीं पर रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग, आपको बता दें कि बिल्डिंग जो है पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर जो भी लोग थे, जो भी ओनर बताए जा रहे हैं या फिर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन थे यहाँ पर, वो सब यहाँ से इस वक्त गायब बताया जा रहा है। इस तरफ गायब है यहाँ से जी, आप कौन है? इनके भाई हैं जी, हम इनके भाई हैं। क्या है पूरा मैटर, क्या आप बता रहे थे? मार दिया सालों ने, कल से लाश पड़ी है जी, आधे दिन अपने यहाँ रखी कंपनी में, अगर लगा लोगों को, जब लोग नहीं है यहाँ, लोगों के पीछे से लाश को लेके जा रहे थे और वो भी डिग्गी में डाल के। अब कहाँ ले जा रहे थे, कहानी डिग्गी में डालने का मकसद क्या है? अगर कहीं अगर अच्छे के लिए करते तो घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। कौन सी वैन में डाल के ले जा रहे थे, वैन दिखा दीजिए। कोई को ठीक है। तो ये जो वैन है जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, कि इस वैन में डालकर जो बताया जा रहा है कि शव को यहाँ से फेंकने की बात, फेंकने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल ये बिल्कुल सच है जी। इसी वैन में इको वैन, वो वैन बता रहे हैं कि जिस वैन में यहाँ पर शव को डालकर और फेंकने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा आरोप जो है परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग रिश्तेदार, जो लोग मौजूद हैं, वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर शव को जो है वो फेंकने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको हम यहाँ पर लगातार बात बता दें कि जो यहाँ पर मैटर है उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं और इसके साथ ही तहरीर मांगी गई है। कहा गया है कि तहरीर आप बताइएगा, तहरीर जो है वो लिखी जा रही है। लेकिन अभी तक जो हम बता दें आपको, रिश्तेदारों के जो आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरे कहाँ, अब भाग कहीं को रहे हैं? चोर नहीं है तो भाग क्यों रहे? एप्लीकेशन नहीं स्वीकार कर पा रहे? मिलेगी मिलेगी, अरे आप वो मौके पे नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम में तो आते हैं। अरे ये क्यों नहीं सुनने हमारी? जूता भी जगह चोरी करी हमने, चोरे साथ भाग रहे, इन्होंने क्या दिया? अरे अभी की बात करिए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। आप मैसेज करो, आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए, रिसीव करेंगे आप, लिख के रहेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कर लेना। आप या तो मुझे कह दीजिए सर कि आप चले जाइए, आप यहाँ से भाग जाइए, बोल दीजिए सर आप मुझे प्लीज। ऐसा मैं क्यों, बट थोड़ा सा हमें बात करनी है। आपकी बात जब आप कोई काम की बात कर रहे हैं जो मेरे काम की है, वो मैं वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। आप छोड़ देते हैं तो नोएडा के C-10 और C-11 सेक्टर 58 का ये पूरा मामला था, जो लगातार हम आपको बता रहे थे, लगातार लाइव अपडेट आपको दे रहे थे किस तरीके से घटना हुई। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर ACP रैंक के अधिकारी पहुँचते हैं और बातचीत होती है, फैमिली के लोग जो है उनसे बातचीत होती है, परिजनों से बातचीत होती है, जिसके बाद ये निकलकर सामने आता है कि कंपनी से जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसको बुलाया गया है थाने, और उससे बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्योंकि अभी तक वो लोग इधर उधर बातों को टालमटोल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये कहा गया है ACP रैंक के अधिकारी के द्वारा कि उनको थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, और साथ ही साथ जो मृतका है उनके परिजनों को भी थाने बुलाया गया है ताकि बातचीत हो और ऑन टेबल क्या कुछ है निकलकर सामने आए। साथ ही साथ ACP साहब ने ये बात सीधे तौर पर कही है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो फिलहाल आज के भारत 8 में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।